हेलो दोस्तों, आप सभी को सुभलाभ जी के क्लासेस में स्वागत है। आज है 28 मार्च 2024। आज की इम्पॉर्टेंट करेंट अफेयर्स क्लास को शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है कार्लोस सेंज, यानी कार्लोस सेंज ने ऑस्ट्रेलियाई फॉर्मूला वन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब जीते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, कार्लोस सेंज। अब देखिए, हाल ही में सऊदी अरबियन ग्रैंड प्रिक्स 2024 का खिताब मैक्स वेरस्टापेन ने जीते थे। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, कार्लोस सेंज। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने किसके नेतृत्व में एक विशेष समिति का नियुक्त किया है? और इसका आंसर है डी वाई चंद्रचूड़। यानी ग्रेट इंडियन बस्टर्ड के संरक्षण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने डी वाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में एक विशेष समिति का नियुक्त किया है। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी वाई चंद्रचूड़। देखिए, कुछ महत्वपूर्ण समितियाँ के बारे में बता रहे हैं। बेसल समिति या बैंकिंग पर्यावरण के बारे में है। अजीत कुमार समिति सेना वेतनमान के लिए है। अभिजीत सेना समिति दीर्घकालिक खाद्य नीति के लिए। सी रंगराजन समिति गरीबी मापने की पद्धति की समीक्षा करने के लिए। और केलकर समिति कर संचारण सुधार के लिए है। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी वाई चंद्रचूड़। अब देखिए, साजी के भी ये कौन है? नाबार्ड के अध्यक्ष हैं। शक्तिकांत दास ये भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर हैं। और श्री सुब्रमण्यम ये नीति आयोग के सीईओ हैं। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी कौन बना है? और इसका आंसर है मुंबई। यानी हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार एशिया की अरबपति राजधानी मुंबई बना है, बीजिंग को पीछे छोड़कर। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, मुंबई। हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 एक वार्षिक रिपोर्ट है जो हारून रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा तैयार किया जाता है। दुनिया के शीर्ष अरबपतियों में मुकेश अंबानी 10वें स्थान पर हैं। पहले स्थान पर कौन है? एलन मार्क्स हैं। अब देखिए, अरबपतियों की संख्या के मामले में 10 देशों में चाइना प्रथम स्थान पर है। चीन में सबसे अधिक अरबपतियों की संख्या है, 814 अरबपति हैं। द्वितीय स्थान पर संयुक्त अरब अमेरिका है, जिसके पास 800 अरबपति हैं। और भारत इस मामले में तीसरे स्थान पर है, भारत के पास 271 अरबपति हैं। अब देखिए, हारून ग्लोबल रिच लिस्ट 2024 के अनुसार दुनिया भर में 3297 अरबपति हैं। और अरबपतियों की संख्या के मामले में शीर्ष 10 देशों में मुंबई एशिया की अरबपति की राजधानी बना है। और विश्व स्तर में ये तृतीय शहर बना है। भारत की राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली भी पहली बार अरबपतियों के लिए शीर्ष 10 शहरों में शामिल हुआ है। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, लेबनान में आयोजित टेबल टेनिस टूर्नामेंट फीडर बेरूत 2 2024 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? और इसका आंसर है श्रीजा आकुला। यानी लेबनान WTT फीडर बेरूत 2 2024 में महिला एकल का खिताब श्रीजा आकुला ने जीते हैं। और पुरुष योगल में मानुष साहा और मानव ठक्कर ने पुरुष योगल का खिताब जीते हैं, जबकि महिला योगल में श्रीजा आकुला और दिया चितले की जोड़ी ने खिताब जीतने में असफल रही हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, श्रीजा आकुला।
आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, इंडियन मास्टर्स नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में दो स्वर्ण पदक किसने जीता है? और इसका सही आंसर है नाहिद दिवेचा। यानी इंडियन मास्टर नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 में दो स्वर्ण पदक नाहिद दिवेचा ने जीते हैं। यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी नाहिद दिवेचा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सक्षम ऐप को किसने लॉन्च किया है? और इसका आंसर क्या है, निर्वाचन आयोग यानी इलेक्शन कमीशन। यानी इलेक्शन कमीशन यानी चुनाव आयोग ने सक्षम ऐप को लॉन्च किया है। सक्षम ऐप दिव्यांग व्यक्तियों के लिए आसान मतदान की सुविधा प्रदान करेगा। 85 वर्ष से अधिक आयु वाले मतदाता और 40% विकलांगता वाले विकलांग व्यक्ति घर से मतदान कर सकते हैं। विकलांग व्यक्तियों और बुजुर्गों के लिए परिवहन सुविधाओं की व्यवस्था चुनाव आयोग द्वारा किया जाएगा और प्रत्येक मतदान केंद्र पर व्हीलचेयर और स्वयंसेवक उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय चुनाव आयोग का आदर्श वाक्य क्या है, कोई मतदाता न छूटे। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी निर्वाचन आयोग। देखिए हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक ऐप को लॉन्च किया था सुनवाई के लिए, ई कोर्ट सर्विसेज मोबाइल ऐप। इसका इस्तेमाल किया जाता है सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई के लिए। नीति आयोग ने ई अमृत नामक ऐप को लॉन्च किया है इलेक्ट्रॉनिक वाहनों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए। अब रेलवे मंत्रालय ने ऑल इन वन सुपर ऐप को लॉन्च किया है यूजर फ्रेंडली बनाने के लिए। इस ऐप के जरिए सरकार का लक्ष्य लोगों को यूजर फ्रेंडली अनुभव प्रदान कराना है। इसे टिकट बुकिंग, पीएनआर स्टेटस, ट्रेन स्टेटस सहित रेलवे से जुड़ी सारी महत्वपूर्ण जानकारियां आप वन स्टॉप समाधान करेगी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, डी निर्वाचन आयोग। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन में, किस राज्यों में छाया काटपुतली कला प्रदर्शनी काली मंदिरों के वार्षिक त्योहारों में मनाया जाता है? और इसका आंसर है केरल। यानी केरल राज्यों में छाया काटपुतली कला प्रदर्शनी काली मंदिरों को वार्षिक त्योहारों में मनाया जाता है। यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए केरल। छाया काटपुतली प्रदर्शनी में रामजी के जन्म से लेकर राज्याभिषेक तक की घटनाओं का चरित्रण किया जाता है। देखिए हाल ही में 11वें अंतर्राष्ट्रीय काटपुतली महोत्सव चंडीगढ़ में मनाया गया। राजस्थान में काटपुतली नृत्य सबसे प्रसिद्ध कला में से एक है। राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिला काटपुतली के लिए प्रसिद्ध है। भारत में चार प्रकार की काटपुतलियों का इस्तेमाल होता है। देखिए चार होता है, धागा काटपुतली, छाया काटपुतली, दस्ताना काटपुतली और छड़ काटपुतली। जैसे राजस्थान में धागा काटपुतली है, पश्चिम बंगाल में छड़ काटपुतली, पुतुल नाच, आंध्र प्रदेश राज्यों के प्रसिद्ध काटपुतली प्रदर्शनी थोलू बोमलता किस प्रकार की काटपुतली है, वो छाया काटपुतली है। और एक इससे रिलेटेड एक सवाल, पहला काटपुतली मुगल सम्राट कौन था, ये एसएससी रेलवे काफी एग्जाम में पूछा गया है। और इसका आंसर है जहांदास शाह। यानी पहला काटपुतली मुगल सम्राट जहांदास शाह था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो एशियन देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला खाड़ी फिलीपींस पहुंचा है? और इसका आंसर है समुद्र पहरेदार। यानी भारतीय तटरक्षक जहाज का नाम क्या है जो एशियन देशों में विदेशी तैनाती के हिस्से के रूप में मनीला खाड़ी फिलीपींस पहुंचा है? और इसका आंसर है
समुद्र पहरेदार, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा डी, समुद्र पहरेदार। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने किस फसल की वीट चेस ब्रूम नामक नई बीमारी खोजा है, और इसका आंसर क्या है, इसका आंसर है मटर, इसका आंसर है मटर। यानी हरियाणा कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने इस बीमारी की खोज करने वाले पहले वैज्ञानिक हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मटर। और पौधों में नई बीमारी को द अमेरिकन फाइटोपैथोलॉजिकल सोसाइटी यूएस द्वारा इसे मान्यता दिया गया है, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा ए, मटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, S&P ग्लोबल ने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर कितना प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है, और इसका आंसर है 6.8%, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा सी, 6.8%। यानी S&P ग्लोबल ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए भारत की विकास दर 6.8% रहने का अनुमान लगाया है, और वित्त वर्ष 2025-26 के लिए 6.9%, वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए 7%, और वित्त वर्ष 2027-28 के लिए 7% रहने का अनुमान लगाया है, और भारतीय रिजर्व बैंक ने विकास दर 7% रहने का अनुमान लगाया था। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब किसने जीता है, और इसका आंसर है हरियाणा। यानी बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप 2024 का खिताब हरियाणा ने जीता है। हरियाणा ने बॉक्सिंग सब जूनियर नेशनल चैंपियनशिप में 19 पदकों की शानदार संयुक्त बढ़त के साथ बॉयज एंड गर्ल्स दोनों श्रेणियों में टीम का खिताब जीता है। देखिए, गर्ल्स वर्ग में हरियाणा ने 10 पदक जीते हैं, जिसमें 7 स्वर्ण, 1 रजत पदक और 2 कांस्य पदक, और बॉयज श्रेणी में 9 पदक जीते हैं, जिसमें 6 स्वर्ण पदक, 2 रजत पदक और 1 कांस्य पदक। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सी, हरियाणा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, सिनेवेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा, और इसका आंसर है चंडीगढ़, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी, चंडीगढ़। 5 दिवसीय सिनेस्टर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल का आयोजन 27 से 31 मार्च तक चंडीगढ़ में किया जाएगा। अभिनेता बोमन ईरानी इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे, और कांस फिल्म विजेता फ्रांसीसी फिल्म द स्टेट ऑफ द थिंग्स को पहली फिल्म के रूप में प्रदर्शित किया जाएगा। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को किस कारण से गिरफ्तार किया है, और इसका आंसर है शराब नीति घोटाला। यानी प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला के कारण गिरफ्तार किया है। प्रवर्तन निदेशालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को शराब नीति घोटाला 2002 के धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत गिरफ्तार किया है। हाल ही में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को भी ईडी ने गिरफ्तार किया था, और AIDMK के प्रमुख जयललिता 1996 में गिरफ्तार होने वाली पहली मुख्यमंत्री थी। यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी, शराब नीति घोटाला। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, कर्नाटक के किस पार्टी के संस्थापक गली जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिया है, और इसका सही आंसर है कल्याण राज्य प्रगति
पक्ष, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा कल्याण राज्य प्रगति पक्ष, यानी KRPP, यानी कर्नाटक के कल्याण राज्य प्रगति प्रकाश पार्टी के संस्थापक गली जनार्दन रेड्डी ने अपनी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी में विलय कर दिए हैं, यानी इसका सही आंसर हो जाएगा बी। आइए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में, भारत के कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, और इसका सही आंसर है बांग्लादेश। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 26 मार्च 1971 में। अब बात करें फिजी का, फिजी 10 अक्टूबर को अपना राष्ट्रीय दिवस मनाते हैं, श्रीलंका के बात करें ये 4 फरवरी को मनाते हैं, और इंडोनेशिया ये 17 अगस्त को मनाते हैं, यानी इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा डी, बांग्लादेश।